पीडीएफ आपको दिख रही है स्क्रीन पे, दिख रही है ना? यस मैम। एक मिनट। ओके, तो आज हमारा टॉपिक है सर्कुलर टर्निंग ऑन रोड्स। सर्कुलर टर्निंग ऑन रोड्स पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये वाली पिक्चर दिख रही है आपको? एक मिनट, ये वाली पिक्चर दिख रही है? अरे हाँ कि ना। इसमें आप देख रहे हो आउटर एज, आउटर एज को रोड पे, ऐसे आप कहीं पर हिल स्टेशन में जा रहे हो या कोई भी आप हाईवे पर हो, जब ऐसा सर्कुलर टर्न आता है तो आउटर एज को थोड़ा सा उठा देते हैं। इट इज लिफ्टेड इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। सो बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या होता है? प्रोसेस ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ ए रोड ओवर द इनर एज थ्रू ए सर्टेन एंगल, थ्रू ए सर्टेन एंगल। अब देखो, अगर ये वाली कार, अगर इस ट्रैक में कोई कार चल रही है, इस ट्रैक पे कोई कार चल रही है, तो वो टर्न जो ले रही है वो आसानी से ले पाएगी, है ना? तो फ्रिक्शन और एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ द रोड्स, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम बैंकिंग ऑफ रोड्स में पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ये देख रहे हो, मैं आपको और एग्जाम्पल दिखाती हूँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल जो आप देखते ही होंगे लेकिन आपने अभी तक नोटिस नहीं किया होगा। लाइक दिस, ये वाला देखो। तो जो ये कार चल रही है, ये बैंकिंग, जो ये रोड है आउटर एज, इसको थोड़ा सा लिफ्ट किया हुआ है, सुपर एलिवेशन वी आर सेइंग। यहाँ पर ये एक एंगल कोई थीटा है, ठीक है? अब इस गाड़ी पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल टुवर्ड्स द सेंटर, और आउटवर्ड कौन सा लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है, सेंट्रिपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल दोनों फोर्स लग रहे हैं। और क्या फोर्स लग रहा है? रोड के बीच में और इस गाड़ी के टायर्स के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है। तो फ्रिक्शन तो इम्पोर्टेंट है ही, कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए किसी सरफेस पे फ्रिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो वहां पर आपको जो रोड है वो आउटर एज उसका थोड़ा सा अपलिफ्टेड होना चाहिए, सो दैट जो टर्निंग है, ओनली ऑन द टर्निंग, जब टर्न होते हैं शार्प टर्न में क्या होता है कि एक्सीडेंट होने का बहुत खतरा रहता है। शार्प टर्न अगर हो, 90 डिग्री का टर्न होगा तो एक्सीडेंट्स हो जाएंगे, या बड़ी गाड़ियां जो मतलब जो ये गुड्स एंड गुड सर्विसेज के लिए होती है, बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं तो उनको टर्न करने में बहुत मुश्किल आ जाती है। छोटी गाड़ी तो कर पाती है, बड़ी गाड़ी नहीं कर पाती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रोड्स को थोड़ा ऐसी शेप में बनाया जाता है कि हर एक टाइप की गाड़ी टर्न अच्छे से ले सके और कोई डेंजर ना रहे वहां पर, और मतलब सुटेबल हो हमारे लिए, ठीक है? तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स ऐड होते हैं, सेंट्रिपिटल, सेंट्रिफ्यूगल, फ्रिक्शन एंड नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स बिटवीन द रोड एंड द टायर्स ऑफ द कार, ठीक है? जो हम अभी तक पढ़ते आए फ्री बॉडी डायग्राम, वही सब इसमें यूज होगा। तो ये चीज समझ में आई? ओवरव्यू है ये जो हम पढ़ने वाले हैं, क्लियर है ना? अरे बच्चों, हो कि नहीं? ओके, सो सर्कुलर टर्निंग ऑन द रोड्स, व्हेन व्हीकल्स गो थ्रू टर्निंग दे ट्रेवल अलोंग इन नियरली सर्कुलर आर्क। मतलब ऐसे सर्कुलर आर्क बनी हुई है, ये रोड है, ठीक है? तो वो एक आर्क की फॉर्म है, मान लो इस वाले ट्रैक पे चल रहा है तो जो गाड़ी चल रही है वो एक सर्कुलर आर्क की फॉर्म में ट्रेवल करेगी, ठीक है? देयर मस्ट बी सम फोर्स व्हिच विल प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल एक्सलरेशन। सेंट्रिपिटल एक्सलरेशन होना चाहिए इनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर। अगर गाड़ी ऐसे चल रही है तो इस पे एक फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द सर्कल, मतलब ये सर्कल ही बन रहा है ना देखा जाए तो पूरा। अगर आप देखोगे आर्क क्या होता है, आर्क सर्कल का एक छोटा सा पार्ट होता है, हम उसको आर्क कहते हैं। तो मान लो ये रोड का पार्ट है, ठीक है, और इधर सेंटर है, तो गाड़ी यहाँ पर है तो सेंटर की तरफ एक इसको एक फोर्स चाहिए, तभी वो इस पे टिक पाएगी, तभी वो इस ट्रैक पे चल पाएगी। अदरवाइज अगर सेंट्रिपेटल फोर्स नहीं लग रहा है
तो कौन सेंट्रिपेटल फोर्स इज टुवर्ड्स द रेडियस एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज टुवर्ड्स द आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर, तो गाड़ी मेरी क्या होगी बाहर स्किड कर जाएगी, ठीक है। तो सेफ गाड़ी के सेफ ट्रेवल के लिए, सेफ टर्निंग के लिए ऑन द सर्कुलर रोड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट देयर विल बी ए सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन और सेंट्रिपेटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टिल हियर? Yes, ma'am. Okay. So if the vehicles travel in a horizontal circular path, this resultant force is also horizontal. अगर सर्कुलर पाथ है मतलब ऐसे है लेकिन वहां पर बैंकिंग नहीं है, बैंकिंग ऑफ द रोड्स नहीं है, तो क्या होगा? जो इस फोर्सेस का रिजल्टेंट है मतलब फिर वहां पर सेंट्रिपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए क्या होना चाहिए? रेडियस होना चाहिए। लेकिन और रेडियस किसके बीच में? जो ये जो सेंटर है और जो ये अपलिफ्टेड है उसके लिए होना चाहिए, बट ऐसा हॉरिजेंटल में है नहीं, तो हॉरिजेंटल में क्या होगा? ओनली हॉरिजेंटल कॉम्पोनेंट होंगे, दैट एन, फिर इधर एम जी होगा, ठीक है, एम जी कॉस थीटा फ्रिक्शन, ये सब हो जाएंगे। सेंट्रिपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस विल नॉट देयर, सो द नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द व्हीकल्स बाय फॉलोइंग थ्री वेज। अब तीन तरीके होते हैं सेफ टर्न्स के लिए। नंबर वन इज बाय फ्रिक्शन ओनली। फ्रिक्शन तो जरूरी है, ये हमें पता है ना, मोशन के लिए फ्रिक्शन तो जरूरी है ही, और रोड पर अगर मेरी गाड़ी चल रही है तो वहां तो फ्रिक्शन बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज फ्रिक्शन नहीं होगा तो गाड़ी क्या करेगी? स्किड कर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अब बारिश के मौसम में एक्सीडेंट होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि अब बारिश के मौसम में हम भी फिसल के गिर जाते हैं क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाता है पानी की वजह से। ऐसे रोड पे भी क्या होता है कि स्लिप हो जाती है गाड़ी, या आप बाइक ले लो या बड़ी गाड़ी ले लो या ट्रक ले लो, जो भी है वो स्लिप हो जाती है और वहां पर प्रॉब्लम हो जाती है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो सेफ रोडिंग के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए? फ्रिक्शन होना चाहिए। तो हम तीन तरीके हैं जिससे हम सेफ टर्निंग करवा सकते हैं। नंबर वन इज बाय फ्रिक्शन ओनली, अगर हम फ्रिक्शन प्रोवाइड करवाए। नंबर टू बाय बैंकिंग ऑफ द रोड्स ओनली, अगर मैं रोड को बैंक मतलब उसको झुका दूं। बैंकिंग का मतलब क्या होता है? बैंकिंग ऑफ द रोड्स का मतलब रोड को मैं थोड़ा ऊपर की तरफ उठा के अंदर की तरफ झुका दूं, वो हो जाएगा, ठीक है। नंबर थ्री, हाँ जी, सेकंड वाला पॉइंट नहीं समझ आया। बाय बैंकिंग ऑफ द रोड्स एक तरीका है कि मैं मतलब हॉरिजॉन्टल रहे मेरे पास और वहां पर मैं ओनली फ्रिक्शन प्रोवाइड करवा दूं, ठीक है। नंबर टू है कि फ्रिक्शन ना होके ओनली मतलब बैंकिंग ऑफ द रोड्स। बैंकिंग ऑफ द रोड्स का मतलब है कि रोड को, जो मैंने बताया, रोड का आउटर एज को थोड़ा सा ऊपर उठा देंगे, सिर्फ उस तरीके से हम चलेंगे। कहने का मतलब ये है, ठीक है। नंबर थ्री इज बाय फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ द रोड्स बोथ। अब दोनों हो गया कि फ्रिक्शन भी हो और बैंकिंग ऑफ द रोड भी हो, तो सबसे सेफेस्ट कौन सा रहेगा? थर्ड वाला रहेगा ना, बैलेंस रहेगा। सो इन रियल लाइफ द नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ द रोड्स बोथ। रियल लाइफ में हमारे लिए कौन से काम करता है? फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ द रोड्स, ठीक है। अब सेकंड वाला आप देखो, बाय बैंकिंग ऑफ द रोड ओनली मतलब फ्रिक्शन नहीं दे रहे यहाँ पे, तो फ्रिक्शन के बिना तो कार चल ही नहीं सकती, चल ही नहीं पाएगी ना। अब इसके केसेस पढ़ लेते हैं। बाय फ्रिक्शन ओनली, सपोज अ कार ऑफ मास m, एक गाड़ी चल रही है, इज मूविंग एट ए स्पीड v इन द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस r। हॉरिजॉन्टल है, यहां पर कोई भी वो नहीं है, मतलब अपलिफ्टिंग नहीं है रोड की, हॉरिजॉन्टल चल रहा है, ठीक है। ऐसे इसकी रेडियस r, मान लो इस ट्रैक पे मेरी गाड़ी है r है और v स्पीड से चल रही है। इन दिस केस द नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स ऑफ द कार विल बी प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन f एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो जो इसका जो फोर्स है, अब इसमें फ्रिक्शन किस साइड होगा? फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो फ्रिक्शन किस तरफ होगा? अगर गाड़ी आगे की तरफ चल रही है तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगा? Where will be the friction? Friction forward होगा कि backward direction में होगा? बोलो। अरे बच्चों बताओ, friction किस direction में होगा? Ma'am backward. Backward sure. Backward or forward?
मैंने बताया था कि अगर हम रोड पे चल रहे हैं, मैं रोड पे चल रही हूं, तो मैं क्या कर रही हूं, मैं इस अर्थ पे फोर्स लगा रही हूं पीछे धकेलने के लिए, ठीक है, इस अर्थ पे फोर्स लगा रही हूं पीछे धकेलने के लिए, तो मैं इसको पीछे धकेलना चाह रही हूं बाई ए फोर्स, ठीक है, और वो बैकवर्ड डायरेक्शन में है, और ये रोड जो है मेरे पे फोर्स लगा रहा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, वो किस डायरेक्शन में लगाएगा, फॉरवर्ड फॉरवर्ड। डायरेक्शन, और उसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। तो सेम विद द कार ऑल्सो, कोई है क्या वेटिंग रूम में जिसको क्लास ज्वाइन करना है? नहीं है। हाँ, तो कार का भी क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और वो जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन फोर्स किस फोर्स के साथ बैलेंस्ड है, दैट इज mv² / r, ये क्या हो गया, सेंट्रिपिटल, सेंट्रिपिटल एक्सलरेशन से, ठीक है। अब सेंट्रिपिटल फ्रिक्शन मेरा क्या होता है, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन, पता है ना ये, F इज इक्वल टू म्यू एन, एन क्या है यहाँ पर, mg। तो अगर मेरी कार चल रही है रोड पे, तीन तरह के फ्रिक्शन होते हैं, स्टैटिक, काइनेटिक एंड लिमिटिंग। तो स्टैटिक तो मतलब गाड़ी रुकी हुई है, लेकिन इसका लिमिटिंग का मतलब है कि वहां पर आपको इतना फ्रिक्शन है कि गाड़ी चलने की वर्ज पे है, मतलब यहाँ पर गाड़ी चल पड़ी है। एफ एल का मतलब है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये लास्ट मोमेंट होता है जहां तक फ्रिक्शन एक गाड़ी को चलने से रोक सकता है, ठीक है। तो अब गाड़ी लेकिन यहाँ पर चल रही है, तो चल रही है तो कौन सा होता है, एफ एल, लिमिटिंग फ्रिक्शन, सो दैट इज म्यू एन, एंड म्यू इज इक्वल टू एम जी। अब इसको मैं सेफ टर्न विदाउट स्लाइडिंग, विदाउट स्लाइडिंग फ्रिक्शन वहां पर है, तो मुझे क्या करना चाहिए, अब मेरे पास ऐसा होना चाहिए कि जो सेंट्रिपिटल फोर्स है ना, सेंट्रिपिटल फोर्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू द फ्रिक्शन, सेंट्रिपिटल फोर्स इतना होना चाहिए कि गाड़ी मेरी चल रही है बट वो स्लाइड ना करे। स्लाइड ना करने की क्या कंडीशन है, कि फ्रिक्शनल वैल्यू वहां पर रहनी चाहिए, ठीक है, एक पर्टिकुलर फ्रिक्शनल वैल्यू वहां पर प्रेजेंट रहनी चाहिए। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो गई, इसका मतलब क्या है, मेरी जो गाड़ी है वो स्लाइड कर जाएगी, ठीक है। तो सेंट्रिपिटल फोर्स जो इनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स जो आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, अगर सेंट्रिपिटल फोर्स ज्यादा हो गया, ये कंडीशन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर सेंट्रिपिटल फोर्स ज्यादा हो जाता है फ्रिक्शन से अंदर की तरफ, तो क्या हो पाएगा, क्या कंडीशन बनेगी, ये बताओ। फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो गई, सेंट्रिपिटल फोर्स की वैल्यू ज्यादा हो गई, तो मेरा मेरी जो गाड़ी है वो क्या करेगी, स्लाइड कर जाएगी, है ना। फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो रही है तो गाड़ी हाँ स्लाइड करेगी, इनवर्ड, इनवर्ड स्लाइड कर जाएगी, कहने का मतलब ये है। लेकिन अगर ये इक्वल और लेस देन है, फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पर क्या ज्यादा बताई गई है, ज्यादा है, ज्यादा इसलिए रखी गई है, अब जो सेंट्रिपिटल फोर्स है ये इसको बैलेंस कर रहा है, दिस फोर्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू फ्रिक्शन वैल्यू। अगर ये ऐसी कंडीशन हो रही है कि फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन एफ एल, इट मीन्स फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो रही है तो कार विल स्लाइड, कार यहाँ पर स्लाइड कर जाएगी, तो मैं सेफ ड्राइविंग नहीं कर सकती। और अगर यहाँ पर फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा है और फोर्स की वैल्यू कम है, कम है का मतलब ये कि कार वो जो है सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड तो रहेगी, लेकिन उस पर फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स इतना लग रहा है कि वो उस अट्रैक्टेड फोर्स के साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव भी कर सके, ठीक है। तो ये इसकी कंडीशन है, mv² r, दिस इज सेंट्रिपिटल एक्सलरेशन, सॉरी सेंट्रिपिटल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय दिस फोर्स, एफ एल इज इक्वल टू म्यू एन एंड एन इज इक्वल टू म्यू एम जी। तो यहां से अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू v² / r g, ये वाली कंडीशन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो कहने का मतलब ये है, यहां से मेरी वेलोसिटी क्या आ गई, वेलोसिटी ऑफ द कार शुड बी और ग्रेट लेस देन और इक्वल टू देन दिस टर्म म्यू आर जी। वेलोसिटी ऑफ द कार इफ इट इज सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन देन ओनली इट कैन ड्राइव सेफली, अदरवाइज इट विल स्लाइड। वेलोसिटी अगर इस वैल्यू से कम है या इसके इक्वल है, टिल देन इट कैन ड्राइव सेफली, ठीक है। अगर वेलोसिटी ज्यादा हो गई, मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू को क्या कर रही है, वो ओवरकम कर रही है, फोर्स
फ्रिक्शन की वैल्यू को अगर वेलोसिटी ओवर कर रही है, इट मींस क्या हो जाएगा, कार मेरी स्लाइड हो जाएगी। अगर आपने देखा होगा कि मूवीज वगैरह में जो बहुत फास्ट स्पीड से कार चलती है, ठीक है, एक टाइम पर उनकी स्पीड इतनी तेज हो जाती है कि गाड़ी क्या होती है, स्लाइड करते करते कहाँ जाके गिरती है उनको भी नहीं पता। तो जब स्पीड हम बढ़ा देंगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या करेगी, उसको ओवरकम कर रही है ना, ओवरकम कर रही है। इसका मतलब तो फ्रिक्शन तो उसको रोक ही नहीं सकता। फ्रिक्शन का काम क्या होता है कि जो मोशन है उसको बैलेंस करके चलाए, ठीक है, जो गाड़ी है वो बैलेंस करके चले। लेकिन जब आपने स्पीड इतनी बढ़ा दी तो फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग रही नहीं। लिमिटिंग का मतलब क्या, रोकना, वो उसको रोक ही नहीं पाएगी, ठीक है, रोक नहीं पाएगी तो वो क्या हो जाएगी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ द कार ये आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ द कार शुड बी लेस देन और इक्वल टू दिस टर्म। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं। एनीथिंग एल्स देयर इन द मीटिंग रूम? यहां तक क्लियर है बच्चों? यस मैम। ठीक है। सो इफ म्यू एंड आर मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड रेडियस आर नोन टू अस, देन द स्पीड ऑफ द व्हीकल शुड नॉट एक्सीड म्यू आर जी। अब जैसे आप कहीं पर भी लॉन्ग ट्रेवल पे जाते हो, ठीक है, मान लो आप कहीं पे घूमने जा रहे हो, तो आपको ऐसा मिलता है ना कि रोड पे लिखा होता है कि 80 इज द स्पीड लिमिट। कहीं पर जो आप मतलब रिंग रोड पे हो या जीटी रोड पे हो तो वहां पे 100 होती है, मतलब लिमिट सेट होती है कि आप इतनी स्पीड को एक्सीड नहीं कर सकते हो। ये तो आपने देखा होगा ना हाईवे पे। तो वो क्यों होता है, वो वहां पर वो जिस तरीके से वो रोड बनाते हैं वो इन सारी कंडीशंस को ध्यान में रखते हैं कि यहाँ पर फ्रिक्शन कितना प्रोवाइड हो सकता है, कि वो सर्कुलर आर्क कितनी बन सकती है, ग्रेविटी की वैल्यू तो फिक्स है कि अगर इतनी वेलोसिटी रहे, इतनी वेलोसिटी रहेगी कार की, इतनी स्पीड रहेगी, देन इट विल बी ड्राइविंग सेफली, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी, एक्सीडेंट्स की ज्यादा कंडीशन बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिक्स में, वी आर स्टडिंग मैकेनिक्स ना, मैकेनिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको याद रहनी चाहिए। एंड इफ वी एंड आर, अब वी स्पीड बढ़ाना तो हमारे हाथ में है ना, बाकी म्यू आर जी तो ऑलरेडी फिक्स्ड है, लेकिन स्पीड बढ़ाना और घटाना हमारे हाथ में है। तो स्पीड लिमिट इसलिए गिवन होती है कि इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर सके। ओके एंड इफ वी एंड आर नोन टू इज द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन वी स्क्वायर बाय आर जी। हाँ सही बात है कि मुझे वी और आर गिवन है, मतलब स्पीड में मेरे हाथ में है, आर भी मुझे पता है कितनी है, तो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब अगर आप उस स्पीड से ज्यादा, जैसे मान लो आपको 80 स्पीड दे दी, 80 किलोमीटर पर आर की स्पीड आपको दे दी है, ठीक है, अगर आप इसको एक्सीड कर रहे हो, एक्सीड कर रहे हो तो क्या फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है ना, फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो रही है। लेकिन अगर आप इसको एक्सीड नहीं कर रहे तो फ्रिक्शन की वैल्यू इससे क्या है, फ्रिक्शन की वैल्यू इससे ये जो स्पीड लिमिट है, दिस स्पीड लिमिट इज लेस देन, तो फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पर ज्यादा हो रही है, इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस। सो इफ वी एंड आर आर नोन टू द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू, एंड फ्रॉम हियर वी गेट द वी इज इक्वल टू म्यू आर जी, म्यू आर जी। और यहाँ पर ये इनइक्वालिटी साइन आपको याद रहना चाहिए, ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू, इसको चेंज मत कर देना, उल्टा पुल्टा मत कर देना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है इस पे बेस्ड, अ बैंड इन ए लेवल रोड हैज ए रेडियस ऑफ 100 मीटर। बैंड इन ए लेवल रोड मतलब यहाँ पर बैंकिंग नहीं हुई है अभी, सिर्फ हॉरिजेंटल रोड है, ठीक है, बैंकिंग नहीं करी है, मतलब आउटर पार्ट को मैंने इंक्लाइन नहीं किया है। कैलकुलेट द मैक्सिमम स्पीड विच अ कार टर्निंग दिस बैंड मे हैव विदाउट स्किडिंग। स्किडिंग का मतलब क्या होता है, स्किडिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, स्लिपिंग का मतलब पता है, यस मैम, स्किडिंग का यस मतलब क्या होता मैम, है कि बहुत स्पीड से गाड़ी चल रही है, सडनली आपने ब्रेक लगाया और ब्रेक लगाए तो गाड़ी क्या हो गई, पलट गई, है ना। मान लो ये गाड़ी चल रही है बहुत स्पीड से और सामने मान लो कुछ आ गया, तो आपने एकदम सडनली ब्रेक लगाए, सडनली ब्रेक लगाए तो ये गाड़ी क्या करेगी, पलट जाएगी ना भाई, स्लिप करने के लिए इसके पास टाइम नहीं है। अगर आप एकदम मोमेंटम में गाड़ी है तो वो क्या करती है, पलट जाती है,
उसको हम क्या कहते हैं, स्किडिंग कहते हैं। तो कितनी स्पीड रखें लेवल रोड पर कि मेरी गाड़ी स्किड ना करे और सेफली चले, मतलब वो जो सर्कुलर टर्न ले रही है यहाँ पर वो सेफली ले पाए। तो मुझे ये कंडीशन पता है, वी मैक्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू आर जी, तो इतनी ही स्पीड, मैक्सिमम स्पीड इतनी जा सकती है या इससे कम हो सकती है। तो मैं इक्वल वाली कंडीशन ले लेती हूँ। तो ये म्यू कितने गिवन है यहाँ पर, म्यू मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.8, आर इज 100 गिवन है, स्पीड इज 10, ठीक है। तो ये एक ये बताया गया है कि फॉर्मूला को यूज कैसे करते हैं क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में मुश्किल नहीं है, बस फॉर्मूला यूज करने का बताया गया है। ओके, यहां तक क्लियर है? यस इज इट मैम, क्लियर? क्लियर है। ओके, नंबर टू, बाय बैंकिंग ऑफ रोड्स ओनली, मतलब सिर्फ रोड को क्या कर दिया, बैंक कर दिया। बैंक का मतलब है ऊपर से उठा दिया, जो आउटर पार्ट है रोड का वो उठा दिया बाय एन एंगल थीटा, इस एंगल से, ठीक है। अब ये आगे की तरफ मतलब इस तरफ झुका हुआ है लाइक दिस, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या होगा वो पढ़ेंगे। फ्रिक्शन इज नॉट ऑलवेज रिलायबल एट सर्कुलर टर्न्स इफ हाई स्पीड्स एंड शार्प टर्न्स आर इन्वॉल्व टू अवॉइड डिपेंडेंस ऑन फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन हमेशा भी काम नहीं कर सकता है। अगर मान लो हाई स्पीड है, स्पीड मतलब मैं बोल रही हूँ कि कहीं पर आपको लिमिट गिवन है 80 किलोमीटर पर आवर, तो कहीं पर आपको 120 गिवन होती है, कहीं पर आपको 180 गिवन होती है, ठीक है। वैसे इतनी परमिट तो नहीं होती है, बट कई लोग कर लेते हैं। तो 180 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका मतलब क्या, फ्रिक्शन की वैल्यू घटती जा रही है अगर वी की वैल्यू बढ़ रही है तो, ठीक है। तो हम इस कंडीशन में क्या करते हैं कि सेफ टर्न के लिए आउटर जो पार्ट होता है रोड का उसको एलिवेट कर देते हैं, ठीक है। सो द रोड्स आर बैंक्ड एट द टर्न सो दैट आउटर पार्ट ऑफ द रोड व्हाट लिफ्टेड कंपेयर टू द इनर पार्ट, ठीक है। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू कम है तो हम इस तरीके से बैलेंस करते हैं। अब मान लो ये रोड है, ये रोड है, ठीक है, ऐसे ये एलिवेटेड है, ये ऐसे चल रहा है, यहाँ पर मेरी कार है, तो इस पे क्या क्या फोर्सेस लगेंगे भाई, जो हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, एन अपवर्ड डायरेक्शन में, वे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसके कॉम्पोनेंट्स क्या बन जाएंगे, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू साइन थीटा, और ये क्या हो गया डब्ल्यू, क्या है यहाँ पर वेट है, दैट इज एम जी, और वेट एम कॉस थीटा, ये बन रहा है, ठीक है। और गाड़ी चल रही है मेरी इस तरफ, ओके। सो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को बैलेंस कर देंगे। सो एन साइन थीटा मतलब ये एन था इधर, इसका एन साइन थीटा को अगर मैं बैलेंस करती हूँ, इफ दिस इज एन, देन एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर आर, एंड एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। एन को क्या चीज बैलेंस कर रही है, एम जी कर रही है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ एन साइन थीटा और एन कॉस थीटा, ये चीज इसके इक्वल है ना, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, हमने पहले भी पढ़ा है। तो एन साइन थीटा को कौन सा फोर्स बैलेंस कर रहा है, अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो एक्सलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा, और एक्सलरेशन इस डायरेक्शन में तो फोर्स भी इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज सेंट्रीपेटल फोर्स, दैट इज एम वी स्क्वायर बाई आर। और कॉस थीटा को कौन सा बैलेंस कर रहा है, एन कॉस थीटा को एम जी बैलेंस कर रहा है, ठीक है। सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट इक्वेशन टू को मैंने डिवाइड कर दिया इक्वेशन वन से, दैट इज टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, अगेन वी हैव सीन दैट कंडीशन। तो जब बैंकिंग नहीं था रोड का तो क्या आया था, वी इज इक्वल टू म्यू आर जी, ये वाली इक्वेशन आई थी। और अब बैंकिंग कर दिया, बैंकिंग कर दिया तो क्या आ जाएगा, वी इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा। अब म्यू क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर हमने फ्रिक्शन तो लिया ही नहीं, ओनली बैंकिंग ऑफ द रोड लिया था, इसलिए यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी नहीं है। तो अगर आपको बैंकिंग ऑफ द रोड की कंडीशन गिवन है, ओनली ओनली वर्ड का ध्यान रखना, अगर वो गिवन है तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा। समझ में आ गया, ये वाली चीज समझ में आ गई ना बच्चों। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ 600 मीटर विच इज डिजाइन फॉर द कार्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर। अब देखा मैंने बताया था इनके हिसाब से डिजाइनिंग ऑफ द कार की मतलब वो होती है, डिजाइन होती है रोड्स के हिसाब से, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। और यहाँ पर बोला है कि फ्रिक्शन नहीं है, एंगल ऑफ बैंकिंग है ओनली, तो वी आपको गिवन है 180 किलोमीटर पर आर, आर आपको गिवन है 600 मीटर, जी आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जी की वैल्यू तो फिक्स ही रहती है, तो जब ये सब कैलकुलेट करोगे सो यू विल गेट दिस,
तो कितने एंगल पर लास्ट पार्ट के रोड को एलिवेट किया जाए फ्रॉम द लेवल सो दैट इट विल बी द सेफ टर्न। सेफ टर्न के लिए एंगल कितना होना चाहिए इस वाले डिजाइनिंग के लिए, इतनी स्पीड के लिए, दैट विल बी 10 इनवर्स 0.4167। क्लियर है? अरे क्लियर है ना? बच्चों यस भाई बोल क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? समझ में नहीं आ रहा तो बोल दो ना, क्या प्रॉब्लम है? समझ में आ रहा है ना? कोई डरने वाली बात नहीं है, किसी हेजिटेशन की जरूरत नहीं है आपको। जो नहीं हो रहा तो बता दो मुझे, अगर समझ में नहीं आ रहा तो बोल दो, बट इतना सन्नाटा अच्छा नहीं लग रहा मुझे। मैं एक बात बोलूं? क्या मैम डांट तो कितनी? कनिष्का कह रही है, सृष्टि आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। मैम मैं एक बात बोलनी, आप डांटना मत बस। डांटना नहीं, बोलो। मैम ये जो आज आपने क्लास में बताया ना स्टार्टिंग से ये वाली स्लाइड, मैम ये वाला ना समझ नहीं आया मैम, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो रहा था बार बार बीच में, मैम पूरा ही समझ नहीं आया आज वाला। अच्छा अच्छा ठीक है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं डांटूंगी? तुम्हें डर लगता है क्या? मैम फिर आप बोलोगे ना कि कुछ भी नहीं आया, एक भी पॉइंट नहीं आया। नहीं मुझे बताओगे तुम कि मैम ये प्रॉब्लम थी, तो ऐसा थोड़े ना, मेरा तो मेन मोटिव क्या है कि अगर मैं मेहनत करी तो मेरी मेहनत सक्सेसफुल होनी चाहिए। वो कब होगी? जब तुम्हें समझ में आएगा। तो उसके अलावा कुछ भी हो रहा है तो उसका मतलब ही नहीं है कुछ भी, ठीक है? तो मेरी हैप्पीनेस तो तुम लोगों के समझ में आने से है भाई, वो मैं अपनी बेस्ट दूंगी तुम लोगों को समझाने के लिए। मैम फिर से बता लग रहा है कि सिर्फ मैं ही होंगी जिसको समझ नहीं आया पूरी स्लाइड, बाकी और बच्चों को तो आ गई होगी ना। नहीं नहीं कोई बात नहीं यार, ऐसा चलता है। बाकी बच्चे, बाकी बच्चों का क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैम आ रहा है। आ रहा है ना? ठीक है, खुल के रहो यार, क्या तुम ऐसे चुपचाप से बैठे हो? थोड़ा हल्ला गुल्ला तो होना चाहिए ना। ठीक है, मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ एक बार, फटाफट रिवाइज कर रही हूँ। सर्कुलर टर्निंग ऑन द रोड्स, अगर आप कहीं पर भी घूमने जाते हैं या फिर आप रिंग रोड पे या हाईवे पे आप चल रहे हैं, तो आप देखते हो कि टर्निंग, मतलब जब गाड़ी मेरी टर्न करती है 90 डिग्री अगर टर्निंग है, तो छोटी गाड़ी को टर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर बड़ी गाड़ी है तो उनको टर्न करने में प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे ट्रक एंड ऑल होते हैं, ठीक है? तो वो सेफ नहीं होता है। तो सेफ टर्निंग के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं। अगर कोई गाड़ी रोड पे चल रही है, तो गाड़ी चल रही है या हम चल रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, तो फ्रिक्शन का होना वहां पे बहुत जरूरी है, ठीक है? तो ऐसे ही अगर कार मेरी चल रही है सर्कुलर रोड पे, तो सर्कुलर आ गया तो इट मीन्स सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो है ही है, ठीक है? तो उनपे क्या क्या कंडीशंस होती है, 3 कंडीशंस होती है जिसमें सेफ टर्निंग हो सकती है। नंबर वन इज बाय प्रोवाइडिंग फ्रिक्शन ओनली, मतलब लेवल रोड है, एकदम कोई बैंकिंग नहीं है। बैंकिंग का मतलब है कि ऐसे ट्रैक्स बने हुए और लास्ट वाले ट्रैक को, मतलब धीरे धीरे ये क्या करता है, लास्ट वाला ट्रैक इस लेवल से क्या करता है, ऐसे, मतलब एक एंगल पे उसको हम राइज कर देते हैं, तो वो ऐसे आगे की तरफ झुका होता है, लाइक दिस। मैं आपको फोटो भी दिखा देती हूँ, ऐसे ये वाला अंदर की तरफ झुका होता है, ठीक है? तो सेफ टर्निंग होती है यहाँ पर। अदरवाइज अब नंबर वन इज बाय फ्रिक्शन ओनली, तो लेवल नहीं, लेवल रोड होगा, बैंकिंग नहीं हो रही है, तो वहां पर सिर्फ एक कंडीशन रहेगी जिससे मेरी गाड़ी सही से चल सकती है, टर्न कर सकती है, दैट इज फ्रिक्शन ओनली। नंबर टू बाय बैंकिंग ऑफ द रोड्स ओनली, फ्रिक्शन नहीं है बट बैंकिंग ऑफ द रोड्स प्रोवाइड करवा दिया है। नंबर थ्री की फ्रिक्शन भी हो और बैंकिंग ऑफ द रोड्स भी हो, ठीक है? तो ये 3 कंडीशन है, तो सबसे सुटेबल कौन सी है, थर्ड वाली है। इन रियल लाइफ वी आर प्रेफरिंग दिस सिचुएशन की बैंकिंग ऑफ द रोड भी और फ्रिक्शन भी अवेलेबल हो। सो नंबर वन, अगर फ्रिक्शन ओनली की मैं बात करती हूँ, इफ आई एम टेकिंग फ्रिक्शन ओनली, तो लेवल रोड है, ठीक है? लेवल रोड है तो फ्रिक्शन अगर आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो इनवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, और एफ क्या होता है, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन, म्यू एन, एन इज इक्वल टू एम जी, सो दिस इज एम जी, ठीक है? एंड फ्रिक्शन अगर मेरी गाड़ी चल रही है, चल रही है, इट मीन्स इट इज इन लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है? सो एफ एल यहाँ पर होगा, दैट इज म्यू एन, और इन दोनों का मैं इक्वल कर देती हूँ, एम वी स्क्वायर बाई आर, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, और
एफ एल इज द फ्रिक्शनल वैल्यू। तो अगर सेंट्रिपिटल फोर्स फ्रिक्शन वैल्यू को एक्सीड कर जाता है, अगर सेंट्रिपिटल फोर्स फ्रिक्शन वैल्यू को एक्सीड कर रहा है, मतलब वो गाड़ी मेरी जो रोड है वो गाड़ी को रोक ही नहीं पा रहा है, तो वो गाड़ी क्या करेगी, टूवर्ड्स द सेंटर क्या हो जाएगी, स्लाइड कर जाएगी, दैट विल बी नॉट सेफ फॉर अस। ठीक है, तो इस सिचुएशन से बचने के लिए हमने एक कंडीशन रखी है कि सेंट्रिपिटल फोर्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर ज्यादा हो गया तो फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी, अगर फोर्स की वैल्यू ज्यादा हो गई तो फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी, तो मतलब मेरी गाड़ी क्या करेगी, स्लाइड कर जाएगी, जो हमें नहीं चाहिए। सो दिस कंडीशन इज द फॉर द सेफ टर्निंग दैट। अब यहां से आप इनको इक्वल करोगे, एम वी स्क्वायर बाय आर, म्यू एम जी, एम से एम कैंसिल आउट हो गया, सो म्यू इज द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। एंड यहाँ से फॉर्मूला मुझे क्या मिल गया, सेफ टर्निंग के लिए स्पीड कितनी होनी चाहिए, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू आर जी। अगर इस वैल्यू से अगर हम स्पीड बढ़ा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, गाड़ी मेरी स्लाइड कर जाएगी और इट विल बी नॉट सेफ फॉर अस। ठीक है, फर्स्ट केस क्लियर है सृष्टि? इज इट क्लियर सृष्टि, आर यू देयर? यस मैम। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, नंबर टू, बाय बैंकिंग ऑफ द रोड्स ओनली। अब यहाँ पर मैं फ्रिक्शन को इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, रोड को मैंने बैंक कर दिया, मतलब लास्ट वाले पार्ट से मैंने उठा दिया है उसको। ठीक है, तो ये ऐसा रोड है, ये बैंकिंग बैंकिंग एंगल है थीटा, ये गाड़ी चल रही है, इस पे आउटवर्ड डायरेक्शन में एन लग रहा है। ठीक है, एन कॉस थीटा एंड एन साइन थीटा, वी कैन फाइंड आउट वी इज इन दिस डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी लग रहा है। ठीक है, ये सब आपको पता ही है। अब इन फोर्सेस को हम बैलेंस करते हैं, सो एन साइन थीटा इज बैलेंस्ड बाय द एम वी स्क्वायर बाय आर एंड एन कॉस थीटा इज बैलेंस्ड बाय द एम जी। ठीक है, इन इक्वेशन को मैं डिवाइड करती हूँ, देन आई एम गेटिंग टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। एंड अब इस केस में मैक्सिमम सेफ स्पीड कितनी आ गई, दैट इज आर जी टेन थीटा। ठीक है, अब लास्ट वाले पार्ट में तो म्यू भी था, म्यू इसलिए था क्योंकि फ्रिक्शन को हम इंक्लूड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, वी आर टेकिंग ओनली द कंडीशन दैट इज द बैंकिंग ऑफ द रोड। ठीक है, तो ऐसे केस में मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, आर जी टेन थीटा, ये फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में आपको सारी कंडीशन दे दी और ये पूछा है कि रोड को मैं कितने एंगल से लिफ्ट कर पाऊं सो दैट जो मेरी गाड़ी है वो बिना स्किड करे चल पाए या आप सेफली चल पाए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे थीटा फाइंड आउट करना है। थीटा के लिए आपको v वेलोसिटी ऑफ द गाड़ी दी हुई है, रेडियस ऑफ द ट्रैक गिवन है, g की वैल्यू आपको फिक्स है, तो थीटा आपने फाइंड आउट कर लिया कि जो ये वाला आउटर रोड है, आउटर पार्ट है, इट इज एलिवेटेड फ्रॉम द ग्राउंड लेवल विद द 0.4167 डिग्री। ओके, क्लियर है? अब क्लियर है सृष्टि? अब सबको क्लियर है जिस जिसको डाउट था? ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट इज बाय फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ द रोड बोथ। अब दोनों कंडीशंस हो जाएंगी तो क्या होगा, इफ अ व्हीकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर रोड विच इज रफ, रफ भी होना चाहिए एंड बैंक्ड आल्सो, दोनों कंडीशंस होंगी, देन थ्री फोर्सेस मे एक्ट ऑन द व्हीकल। अब तीन फोर्सेस लगेंगे, नंबर वन, एक तो ये मेरी गाड़ी है मान लो इस पॉइंट पर, एक फोर्स लग रहा है एम जी, वो तो पता ही हमें क्या होता है। ठीक है, नंबर टू, नॉर्मल रिएक्शन, हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना ही आते हैं कि क्या क्या होते हैं, तो अगर कॉन्टेक्ट है तो नॉर्मल फोर्स भी लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन एम इज ऑल्सो फिक्स्ड व्हाइल द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड फोर्स इज फ्रिक्शन। तीन फोर्स लग रहे हैं, वेट, नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शन, तीनों चीजें हो गई है। ठीक है, सो फ्रिक्शन एफ कैन बी इधर इनवर्ड और आउटवर्ड व्हाइल इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी वेरीड अप टू द मैक्सिमम लिमिट। अब गाड़ी अगर आगे की तरफ चल रही है, ऐसे टर्न ले रही है लाइक दिस, ठीक है, ऐसे ऐसे रोड है, तो फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसको बैलेंस कौन कर रहा है, एम जी साइन थीटा कर रहा है। ठीक है, सो फ्रिक्शन भी है और आपका ये भी है, सेंट्रिपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा, सेंट्रिपिटल फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर। सो नंबर वन कंडीशन इज फ्रिक्शन एफ विल बी आउटवर्ड इफ द व्हीकल इज एट द रेस्ट। अगर बैंकिंग है और व्हीकल जो है वो रेस्ट पे है, मतलब स्पीड इज जीरो, तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन विल बी इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। आउटवर्ड डायरेक्शन में क्यों लगेगा, क्योंकि
जो एम जी साइन थीटा का कॉम्पोनेंट है, एम जी साइन थीटा इज बैलेंसिंग दिस दिस फ्रिक्शन वैल्यू, और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, गाड़ी चल भी इसी डायरेक्शन में रही है, ठीक है, और एम वी स्क्वायर आर मतलब जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो इनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है. सो इफ द बॉडी इज एट द रेस्ट और द कार इज एट द रेस्ट, तो ओनली वन वन फोर्स इज देयर, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स, एंड फ्रिक्शन फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द एम जी साइन थीटा. तो ये किस डायरेक्शन में हो जाएगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, मतलब ये बैंकिंग है, बैंकिंग मतलब ऐसे है, यहां पर मेरी गाड़ी खड़ी है चल नहीं रही है, तो खड़ी है तो अंदर की तरफ कौन सा फोर्स खींच रहा है इसे? एम वी स्क्वायर बाय आर, दैट इज सेंट्रीपेटल फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में. अब यहाँ पर मैं दोनों दोनों फैक्टर्स ले रही हूँ, तो दोनों फैक्टर ले रही हूँ, तो फ्रिक्शन किस तरफ इसको बैलेंस कर रहा है, मतलब ऐसी क्या चीज है जो इसको रोक रही है, ये इधर नहीं गिर रही है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है. नंबर टू इज फ्रिक्शन एफ विल बी इनवर्ड इफ वी इज ग्रेटर देन आर जी टेन थीटा. अब फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा कब होगी? जब जो स्पीड है वो स्पीड मैंने बढ़ा दी है आर जी टेन थीटा से. आर जी टेन थीटा मैंने कंडीशन पढ़ी थी कि स्पीड अगर इसके इक्वल और लेस देन हुई, देन इट विल बी द सेफ स्पीड टू वॉक ऑन टू राइड ऑन द बैंक्ड रोड्स. ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि फ्रिक्शन की वैल्यू, जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन है, दैट विल बी इनवर्ड. इनवर्ड क्यों होगी? क्योंकि आप स्पीड को इस वाली लिमिट से बढ़ा रहे हो, और बढ़ा रहे हो तो उस चीज को बैलेंस करने के लिए इनवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीपेटल फोर्स अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगा, और सेंट्रीपेटल फोर्स अकॉर्डिंगली बढ़ रहा है तो फ्रिक्शन किस तरफ हो जाएगा? इनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा. ठीक है, एंड फ्रिक्शन एफ विल बी आउटवर्ड. आउटवर्ड कब है? जब आप आर जी टेन थीटा की वैल्यू जो है इससे, मतलब जो स्पीड है, दैट इज लेस देन दिस कंडीशन. तो सबसे सेफेस्ट कंडीशन कौन सी है? सेकेंड वाली. एंड फ्रिक्शन एफ विल बी जीरो. एफ विल बी जीरो हो जाएगा अगर स्पीड इसके इक्वल चल रही है. इक्वल चल रही है तो मतलब v इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा, इसके इक्वल है, ना कम है ना ज्यादा है. इट मीन्स इट इज एट ए कॉन्स्टेंट मोशन, मतलब उसमें ना तो फ्रिक्शन ओवरकम कर रहा है ना सेंट्रीपेटल फोर्स ओवरकम कर रहा है, बोथ आर बैलेंस्ड. ठीक है, तो मैम अगर फ्रिक्शन जीरो होगी तो फिर स्लिप होने का तो ज्यादा चांसेस है. हाँ बेटा, लेकिन रोड भी तो बैंक्ड है, जैसे सेकंड कंडीशन हमने पढ़ी थी, सेकंड कंडीशन पड़ी थी ना जिसमें ओनली फ्रिक्शन लग रहा था, तो वहां पर आपने क्या किया? उस चीज को बैलेंस करने के लिए आपने रोड को बैंक कर दिया. रोड को बैंक किया तो वहां पर अब क्या चीज बैलेंस कर रही है? थीटा. थीटा की वजह से अब अगर आप स्पीड बढ़ाना चाह रहे हो, स्पीड को आप रोड के हिसाब से, मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से, अगर आप जैसे ये रेसिंग कार्स बनती है, ठीक है, तो इनमें क्या फ्रिक्शन की वैल्यू कहां तक चल सकती है? फ्रिक्शन की अगर आप स्पीड को एक्सीड कर रहे हो तो फ्रिक्शन विल बी वैनिश्ड एट ए टाइम. फ्रिक्शन वैनिश हो जाएगा ना. आप देखोगे कि गाड़ी क्या करती है, बहुत फास्ट स्पीड पे तो स्लिप करते करते बहुत दूर तक जाती है. ठीक है, आप रेसिंग कार देखते हो या ये जो मतलब फास्ट ट्रैक पे जो होती है राइड्स होती है उसमें देखते हो कि बहुत दूर तक स्लिप करते हुए जाते हैं. जब आप वेलोसिटी को एक्सीड कर रहे हो तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है? नेग्लिजिबल हो जाती है. तो यही वाली सिचुएशन है कि स्लिप करेगा बट उसको बैलेंस कर रहा है थीटा. अगर बैंक्ड रोड्स हैं तो वो फ्रिक्शन की वैल्यू को एक्सीड भी कर ले तो प्रॉब्लम नहीं होगी, बट वो एक पर्टिकुलर कंडीशन तक होती है कि उस थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करता है और इन चीजों को एक्सीड नहीं करना चाहिए. ठीक है, ओके मैम. यस, ये आपको देखने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये चैप्टर के कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं, कल हम इसके क्वेश्चन करेंगे, दो क्वेश्चन मैं अभी भी करवा रही हूँ. सो नंबर वन इज ए फैन रोटेटिंग विद अ एंगुलर स्पीड. एंगुलर स्पीड है ये ओमेगा. ओमेगा क्या बताता है? एंगुलर स्पीड बताता था ना, 100 रेडियंस पर सेकेंड इज स्विच्ड ऑफ. एक फैन चल रहा था उसको रोक दिया, स्विच ऑफ कर दिया. आफ्टर टू इन रोटेशन इट्स एंगुलर वेलोसिटी बिकम 50 रेडियन पर सेकेंड. ठीक है, अब बंद करने के बाद क्या फैन स्लो हो जाएगा धीरे धीरे, तो टू एन रोटेशन के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 50 रेडियन पर सेकेंड, मतलब हाफ हो गई. फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द फैन आफ्टर एन रोटेशन. टू एन पे 50 हो गई तो एन पे कितनी हो जाएगी? एन रोटेशन पे एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये हमें फाइंड आउट करनी है. कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब देखो, जैसे हम लीनियर मोशन में पढ़ते थे, 1D में पढ़ते थे, 1D में क्या पढ़ते थे, v square is equal to u square plus 2as, यही होता था ना. अब एंगुलर में बात करें तो ओमेगा स्क्वायर, ये 1D की वेलोसिटी थी तो ये एंगुलर की वेलोसिटी है,
ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू, एंगुलर एक्सलरेशन इज अल्फा एंड डिस्प्लेसमेंट हियर एस, बट इन द एंगुलर इट विल बी थीटा। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये एंगुलर में हो गई और ये 1D में हो गई है, तो ऐसे लिखा। अब बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग विद 100 रेडियन पर सेकेंड, एंड अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि फाइनल क्या है, रुकी है 50 पर, बंद करने के बाद मेरा फैन जो है 50 रेडियन पर रुक गया है। सो दैट इज फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियली चल किस पे रहा था, 100 रेडियन पर सेकेंड पे, प्लस 2 अल्फा, अल्फा ये एक्सलरेशन क्या है अल्फा, और थीटा डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट मतलब एक सर्कुलर ट्रैक को कवर कर रहा है 2n टाइम्स, सो 2 पाई आर, आर इट इज 1 सेंटीमीटर हियर, सो 2 पाई को मतलब एंगल कितना है, अब हम एंगल की बात ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, थीटा क्या है एंगुलर फॉर्म में है, तो कितना एंगल बनता है, 360 बनता है, 360 बनता है ना सर्कल में, सो 360 को मैं 2 पाई लिख सकती हूँ, 2 पाई एंगल को 2n टाइम्स कवर कर रहा है, तो थीटा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2 पाई एंगल को 2n टाइम्स कवर कर रहा है, सो दिस इज द इट्स इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन क्या कह रही है, ये 2n टाइम्स के लिए है, एन टाइम्स के लिए ओमेगा एन स्क्वायर, ये मुझे फाइंड आउट करनी है, इनिशियल तो कितनी रहेगी 100 ही रहेगी प्लस 2 अल्फा, और अब 2 पाई एंगल को ये ओनली एन टाइम कवर कर रहा है, तो दो इक्वेशन आ गए मेरे पास, इन दोनों को आप सॉल्व करोगे देन यू विल फाइंड दैट ओमेगा इज इक्वल टू, मतलब एंगुलर स्पीड कितनी होगी जब एन रोटेशन पर आ जाएगी मेरा फैन, एन रोटेशन को कवर करने के लिए एंगुलर स्पीड ऑफ द फैन शुड बी 25√10 रेडियन पर सेकेंड। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया कि नहीं आ गया, क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ना, जैसे आपको लीनियर 1D में ये बोलते थे कि गाड़ी चली है, इनिशियल स्पीड इसकी 20 मीटर पर सेकेंड है, ये रुकी है, रुकने से पहले इसकी फाइनल स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, तो ये अगर बीच में रुक जाती है तो वहां पर कितनी स्पीड से रुक जाएगी, तो लीनियर से ही आप इसको भी रिलेट करेंगे तो ऑब्वियसली कर पाएंगे, इतनी कोई मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है। तो ये PDF मैं आपको सेंड करूंगी ना, तो एक बार इसको गो थ्रू कर लेना, बहुत कम पेजेस हैं, सिर्फ 15-20 मिनट लगेंगे, और कुछ समझ में नहीं आता तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट एंगुलर एक्सलरेशन, एंगुलर एक्सलरेशन मेरा क्या होता है अल्फा, ठीक है, दैट इज 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इन ए सर्कुलर पाथ एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, पार्टिकल वॉज एट रेस्ट, ठीक है, पार्टिकल मेरा रेस्ट पे था, फाइंड द टाइम एट विच द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रिपिटल एक्सलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सलरेशन आर इक्वल। सर्कुलर ट्रैक में एक पार्टिकल चल रहा है विद द कॉन्स्टेंट एंगुलर एक्सलरेशन 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सलरेशन के साथ, तो किस टाइम पर सेंट्रिपिटल एक्सलरेशन और टेंजेंशियल एक्सलरेशन इक्वल हो जाएंगे। अब मुझे पता है सेंट्रिपिटल एक्सलरेशन का फॉर्मूला मुझे पता है, टेंजेंशियल का पता है, उन दोनों को इक्वल कर देंगे, वहां से टाइम की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। टेंजेंशियल क्या होता है, टेंजेंशियल इज इक्वल टू, टेंजेंशियल ये होता है ना जो आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ऐसे इधर लग रहा है वो एक्सलरेशन ना, तो इसका एंगुलर एक्सलरेशन कितना है अल्फा, और आर इसकी क्या है रेडियस, सो टेंजेंशियल एक्सलरेशन इज अल्फा आर। और आप अगर अब वी देखते हैं, मतलब v इस डायरेक्शन में, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होती है ना, अब ये बोला है कि रेस्ट पे चल रहा था पार्टिकल, रेस्ट से चला तो u इज इक्वल टू जीरो, सो v इज इक्वल टू अल्फा r t, r क्या है यहाँ पर, a क्या है यहाँ पे, r a इज t इज द टाइम, ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई। नाउ एक्सलरेशन, सेंट्रिपिटल एक्सलरेशन इज एम वी स्क्वायर बाई आर, V क्या होता है, V इज इक्वल टू अल्फा आर हमने पढ़ा था, ठीक है, तो आपने यहाँ पर अल्फा आर पुट किया एंड टी स्क्वायर, देन इट विल बी अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, अब दोनों के मैग्नीट्यूड को आप इक्वल कर दो, अल्फा आर इज इक्वल टू दिस एंड आप इसको कैंसिल आउट करो, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, एक इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू टी स्क्वायर, अल्फा की आपको एंगुलर एक्सलरेशन आपको गिवन था 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो अगर आप यहाँ पर वैल्यू पुट करते हो सो यू विल गेट टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 व्हिच कैन बी रिटन एज टी इज इक्वल टू 1/2 सेकेंड, तो हाफ सेकेंड के टाइम पर जब टाइम हाफ सेकेंड होगा तो एक्सलरेशन टेंजेंशियल और सेंट्रिपिटल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, इज दैट क्लियर।
अरे बच्चों बोलो, आई अंडरस्टैंड आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बट थोड़ा सा टाइम दो इस टॉपिक को, इट विल बी क्लियर। ओके चलो फिर मैं ये पीडीएफ शेयर करती हूँ आपके साथ और मैं क्लास को यही खत्म करती हूँ। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, एनी डाउट। कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, ठीक है? चलो फिर, ओके बाय बाय।